शुरुआत हुई है, आपके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र के अगले जगन मोहन रेड्डी हो सकते हैं, शिवसेना को फिर एक बार सत्ता में लेकर आएंगे। ये पता नहीं, मैं तो आदित्य रश्मि उद्धव ठाकरे करके ही घूम रहा हूँ, शिवसैनिक करके घूम रहा हूँ। मन में दुख बिल्कुल है, क्योंकि जो गद्दारी हुई है वो ऐसे काल में हुए जो कठिन काल था हमारा, एक जटिल समस्या हमारे सामने थी। उद्धव जी की हेल्थ के इश्यूज थे, अभी तो वो पूरे फिट एंड फाइन है, आप देख रहे हो महाराष्ट्र में घूमने की शुरू कर रहे हैं। लेकिन जब ये 40 गद्दार हमारे साथ रहने चाहिए थे, जब उन्होंने उद्धव साहब का काम आगे लेके जाना चाहिए था, तब उन्होंने गद्दारी की है। तो दुख तो बिल्कुल है, लेकिन अगर दुख से आगे निकलना है, लड़ना है, जीतना है, तो यही प्यार को साथ में लेके जाना है, यही आशीर्वाद लेके आगे जाना है। जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? आप देख रहे हो रिस्पांस काफी तूफान है, लोग प्यार से आगे आ रहे हैं, अपने आशीर्वाद दे रहे हैं, जो युवा है अपना प्यार दे रहा है। और किसी भी युवा को आज जिस तरह की राजनीति हमारे देश में हो, हमारे राज्य में हो, चल रही है, किसी को भी पसंद नहीं है, और यही राजनीति को बदलने के लिए युवा आगे आ रहा है। आप लगातार अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं, जबकि वो अपने आप को कह रहे हैं कि हम क्रांतिकारी, हमें हिंदुत्व को बचाने के लिए हमने क्रांति की है। ये इन पे बात जितनी कम करें उतना उनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि ये गद्दार हैं, गद्दार ही रहेंगे। क्रांतिकारी जिसे उठाव कहते हैं, बंडखोर कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं, उसे हिम्मत लगती है, ताकत लगती है। ये भाग के जाने वाले गद्दार है, ये खुद को बेचने वाले गद्दार है, ये जिस आदमी ने जैसे उद्धव साहब ने इनको सब कुछ दिया, इनकी जो राजनीतिक जो कोई पहचान थी वो दी, टिकट्स दिए, सारी कुछ जो भी आना था उनको दिया है, तो भी ये गद्दार बने। और जो वार हुआ है, जो हमला हुआ है, वो सीने पे नहीं, पीठ पे हुआ है। बड़ा चौहान, आपके जो एक बड़े नेता है संजय राउत जी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? ये महाराष्ट्र को अगर आप देखें तो कम दिखाने के लिए ये सारी साजिश है। कल परसों में जो गवर्नर साहब ने कहा है वो तो महाराष्ट्र के खिलाफ है, मराठी आदमी के खिलाफ है, और ये कहीं ना कहीं छुपाने के लिए अन्य जो सर्कस है वो चल रही है। और भी कई नेताओं पर दबाव है क्या? लगातार कहा जा रहा है कि अगर आप शिंदे गुट के साथ शामिल नहीं होंगे तो आप पर ईडी की रेड हो जाएगी। आप देख रहे थे अर्जुन खोतकर जी का जो इंटरव्यू था, वो अगर आप चलाए तो आपको पता चल जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी ने जो बयान दिया था उसी को छुपाने के लिए महाराष्ट्र में संजय राउत पर शिकंजा कसा गया। साथ ही उन्होंने शिंदे खेमे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमारे साथ गद्दारी हुई है, और जो लोग शिंदे खेमे में गए उन सभी लोगों को आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर से गद्दार करार दिया। तो राउत की गिरफ्तारी को महाराष्ट्र को नीचा दिखाने की कोशिश बताया है आदित्य ठाकरे ने। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि मुद्दा भटकाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए ईडी का इस्तेमाल करके संजय राउत को गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये बयान तो जरूर दिया है, लेकिन जिस तरीके के सपोर्ट की उम्मीद संजय राउत को थी उद्धव परिवार से, ठाकरे परिवार से, उस तरीके का सपोर्ट अभी तक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ना तो शिवसैनिकों का जमावड़ा है, ना अभी तक किसी भी मूवमेंट का यहां पर खबर है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे में से कोई एक संजय राउत के घर जा सकता है, परिवार से मुलाकात कर सकता है, ऐसी अभी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन आदित्य ठाकरे जरूर कह रहे हैं कि हमारे साथ गद्दारी हुई है, ऐसे मुश्किल वक्त में जब तबीयत ठीक नहीं थी उस वक्त के तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे की, उस वक्त विधायकों ने गद्दारी की है। और ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को नीचा दिखाने के लिए ईडी ने संजय राउत की गिरफ्तारी की है, क्योंकि वो कनेक्ट कर रहे हैं राज्यपाल के बयान को। बहरहाल तस्वीरें इस वक्त हम लगातार दिखा रहे हैं, जयप्रकाश हमारे साथ अगर बने हुए हैं तो जयप्रकाश दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरों को आदित्य ठाकरे के बयान से अगर जोड़ें, कल की तस्वीर संजय राउत की, हाथ में भगवा था, बड़े ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, आज की तस्वीर वेव तो कर रहे हैं लेकिन चेहरे पर शिकन है, जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है शायद। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कल मैं भांडुप के उस बंगले के सामने मौजूद था जहां पर संजय राउत के घर पर ईडी की रेड चल रही थी, ईडी की पूछताछ जांच चल रही थी। वहां पर संजय राउत का दो पिक्चर देखा, दो उनके चेहरे देखे, दो बार उनकी भावभंगिमा देखी। पहली बार जब वो खिड़की में आए अपने भाई सुनील राउत के साथ, और वहां पर उन्होंने सभी लोगों को हाथ दिखाया, और दूसरा वीडियो देखा जब अपनी माँ को वो गले मिल रहे थे और तिलक उनकी माँ लगा रही थी। और बाहर का दृश्य जब गेट के पास में खड़ा था और संजय राउत की कार बाहर निकली, तो सनरूफ जो होता है उसके बाहर निकलकर संजय राउत ने दोनों हाथ अपने हवा में लहराए, एक गजब का कॉन्फिडेंस था उनके चेहरे पर, गजब का तेज था, और मफलर पहना था उन्होंने, और वो मफलर भी शिवसेना का था, भगवा रंग का यानी केसरिया रंग का था। लेकिन आज जब संजय राउत ईडी के दफ्तर से बाहर निकले, एक बार उन्होंने सिर्फ हवा में हाथ लहराया और दूसरी बार उन्होंने हाथ उठाया नहीं, गाड़ी में सीधा जाकर बैठ गए और सीधा उनकी गाड़ी जेजे अस्पताल की तरफ रवाना हो गई। तो ये बात साबित करती है कि कल संजय राउत को शायद इस बात का एक यकीन था कि उनकी गिरफ्तारी नहीं
नहीं हो सकती है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि वो गिरफ्तार होंगे, संजय राउत ये प्लानिंग कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने। खुद संजय राउत ने कहा कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, झुकेंगे नहीं, महाराष्ट्र झुकेगा नहीं और वो पार्टी नहीं बदलेंगे, शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज का माहौल पूरा बदला हुआ है। संजय राउत ने देखा मीडिया कर्मी सामने खड़े हैं, हाथ दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन संजय राउत मीडिया कर्मियों तक नहीं आए। आज वो एक अरेस्टेड आरोपी हैं, वो गिरफ्तार आरोपी हैं जिनके खिलाफ ईडी की जांच हो गई है और ईडी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है। तो आज उनको ईडी कोर्ट में पेश करेगी, ईडी पीएमएलए कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें दोबारा ईडी के दफ्तर में लेकर आएगी अगर रिमांड मिलती है, और एक लंबी जांच का सिलसिला आप संजय राउत को फेस करना पड़ेगा। समझ चुके हैं और यही बात है जो ईडी के अधिकारी अब संजय राउत से आगे पूछेंगे, कस्टडी की मांग की जाएगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।